दोस्तों नमस्कार और वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है आज की ऑटोमोबाइल्स लेटेस्ट न्यूज़ में। फ्रेंड्स, फर्स्ट न्यूज़ आ रही है आपके न्यू व्हीकल एक्ट्स के बारे में, जो चेंजेस आए हैं आपके लाइसेंस के बारे में। दोस्तों, इसमें यह किया गया है कि व्यावसायिक लाइसेंस जो होता है आपका 3 साल के लिए होता था, अभी उसे 5 साल कर दिया गया है, यानी आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा कुछ सिस्टम चेंज किए गए, जैसे कि 30 से 55 साल का अगर व्यक्ति कोई लाइसेंस बनवाता है तो जो पहले लगभग 20 साल के लिए होते थे, अब केवल होंगे 10 साल के लिए, यानी 10 साल के लिए होगा। उसके बाद में 55 साल के बाद जो भी व्यक्ति लाइसेंस बनवाएगा फ्रेंड्स, वो होगा केवल 5 साल के लिए वैलिड, यानी 5 साल बाद उसे रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो ये चेंजेस कुछ किए गए हैं दोस्तों व्यावसायिक लाइसेंस के बारे में, कमर्शियल यूज के जो लाइसेंस होते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक और खुशखबरी है कि आप टोल टैक्स पर जो अभी तक काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, कभी कभी क्रिटिकल कंडीशन में भी आपको वहाँ लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, भीड़ भाड़ होती थी और गर्मी में बहुत सारी टेंशन होती थी, और अगर बच्चे होते तो आपके साथ बहुत सारी परेशानी आपको होती थी दोस्तों। लेकिन अब आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो नया सिस्टम लॉन्च किया है, आप जानते होंगे फास्टैग, उसके बारे में आपने सुना होगा, और अब इसे 1 दिसंबर से परमानेंट कर दिया गया, यानी 1 दिसंबर से कंपलसरी कर दिया गया। तो आप फास्टैग अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कहीं भी पेट्रोल पंप से या कहीं भी नहीं मिलता तो अमेजन से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप अमेजन पर जाकर सर्च कीजिए, फास्टैग आपको मिल जाएगा और उसे एक्टिवेट करने की सारी टेक्निक भी आपको बता दिया जाएगा अमेजन द्वारा ही। और अगर आप नहीं जानते, आप कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके लिए पूरी टेक्निक हम शेयर कर देंगे किसी वीडियो में, किस तरीके से फास्टैग एक्टिवेट किया जाता है, क्या इसका प्राइस है, सारी डिटेल्स आपके साथ कर दी जाएगी। दोस्तों इसका बेनिफिट आपको बहुत सारे होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेनिफिट ये होगा कि पूरे देश में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो टोल्स पर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी दोस्तों। आपने देखा होगा कि आप भी 20-20 मिनट तक, 25-25 मिनट तक वहाँ परेशान रहते थे, तो बहुत सारा ईंधन उसमें फूक जाता था। तो करोड़ों रुपए की अगर टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे तो बचत होगी ईंधन की भी। इसके अलावा भीड़ से तो छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और गवर्नमेंट दे रही है, आपका जो टैक्स होगा जिस पर कोई बेनिफिट नहीं होता था टोल टैक्स, अब आपको उस पर 2.5% रिटर्न भी मिलेगा, जिसे आप कैशबैक कहते हैं। तो कैशबैक भी आपको मिलने वाला है। इसके बाद SMS अलर्ट भी आपको मिलेगा कि इतना आपका चार्ज गया टोल से, तो आप सीधे बिना लाइन के निकल जाएंगे फास्टैग के द्वारा टोल से, तो वहाँ किसी तरह का झंझट नहीं होगा, आपको रोका नहीं जाएगा, आप सीधे वहाँ से क्रॉस कर जाएंगे। ये बेनिफिट होने वाला है। कहाँ कहाँ पर ये फास्टैग मिल सकते हैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कि CST होती है, कॉमन सर्विस सेंटर्स पर आपको मिल जाएगा, NS टोल प्लाजा पर भी ये मिल रहे हैं सभी फास्टैग, इसके अलावा पेट्रोल पंप पर भी हम मिल रहे हैं दोस्तों, या फिर डायरेक्ट हमने बताया जैसे अमेजन। और फ्रेंड्स, आपके लिए नेक्स्ट न्यूज है पैन और आधार के संबंध में। आपने सुना होगा कि 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी और आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। आप अगर बैंक पर जाते थे वहाँ भी लंबी लंबी क्यू लग रही थी, पोस्ट ऑफिस पर जाते थे वहाँ भी परेशानी हो रही थी, और आप जानते थे प्राइवेट सेंटर्स इस समय बंद हो चुके हैं, जहाँ पर जाकर आपको चार्ज देकर अपने लिए बनवा लेते थे पैन या आधार कार्ड या लिंक करा लेते थे। तो इस सारी प्रॉब्लम से निजात देने के लिए गवर्नमेंट ने एक लास्ट मौका दिया है दोस्तों आपके लिए, खासतौर से आप इसका बेनिफिट उठाइए। अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो फ्रेंड्स, पैन कार्ड आप बनवा चुके हैं और आपका आधार नहीं है तो आपके लिए लास्ट मौका है दोस्तों। लगभग 3 मंथ के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है 31 दिसंबर तक, यानी अब चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तब तक आप अपना आधार कार्ड बनवा लीजिए, वालकस ना करें दोस्तों, क्योंकि इसका परेशानी यह होने वाली कि आपके जो भी खाते पैन कार्ड से लिंक है, पैन कार्ड तो अनिवार्य है ही और आपके खाते में भी पैन कार्ड जरूर लिंक होगा दोस्तों, तो जो भी पैन कार्ड होंगे वो सभी निष्क्रिय कर दिए जाएंगे 1 जनवरी 2020 से, और आपके जो खाते होंगे उनका लेन देन रोक दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस परेशानी में ना पड़े इसलिए न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप क्विकली अपने लिए आधार कार्ड बनवा सकते हैं, और अभी तक जो हमारे पास डेटा है दोस्तों उसके अनुसार जो पैन कार्ड इशू हैं 8 करोड़ 47 लाख हैं, जिनमें से केवल 6.77 लगभग कह सकते हैं लोगों ने बनवा लिया है, और अभी 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, यानी उनके पास आधार मौजूद नहीं है या किसी कारण से लिंक नहीं किया है कह सकते हैं, तो वो भी आधार से ज़रूर लिंक करा लें पैन कार्ड को, वरना उनके जो खाते हैं सभी जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं उनका लेन देन रोक दिया जाएगा, तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम निकालिए इसके लिए, बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। और फिर आप जानते हैं बहुत सारी स्कीमें इसके द्वारा मिलती हैं, चाहे आपका LPG का सब्सिडी है वो भी इसके द्वारा ही आती है, चाहे आपके अन्य सब्सिडी हैं, खाद की सब्सिडी है किसानों की, वो भी आधार के द्वारा ही लिंक होने के बाद आती है दोस्तों। आप बेनिफिट उठाइए, गवर्नमेंट जो भी स्कीमें दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, मारुति ने अपने जो 4 वेरियंट्स हैं उन पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट्स लॉन्च किया हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं डिजायर पेट्रोल के बारे में, तो इस पर मिल रहा है 30+20+5 का, यानी 55,000 का टोटल बेनिफिट मिल रहा है। डिजायर डीजल अगर आप लेते हैं तो उस पर बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं लगभग 84,000 का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। बेस्ट स्कीम चल रही है, आप बेनिफिट जरूर उठाइए दोस्तों। 35, 20 और 10 इतना इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा स्विफ्ट पेट्रोल पर भी आपको मिल रहा है लगभग 50,000 रुपये का बेनिफिट, और स्विफ्ट डीजल पर तो आपको ज़्यादा मिल रहा है 77,000 का। इसमें 17,000 का 5 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी है, 30,000 का कैश बेनिफिट है, और 20,000 का एक्सचेंज बोनस है, और 10,000 का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है कॉर्पोरेट।
दोस्तों एक विशेष न्यूज है कि अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखते हैं और किसी वजह से कोई डॉक्यूमेंट अगर मिस हो जाता है, उस कारण से आपका चालान अगर कट जाता है फ्रेंड्स, तो उस परिस्थिति में आपको एक प्रॉब्लम और हो सकती है। आपका जो इंश्योरेंस राशि है उस पर भी आपका चार्ज बढ़ जाएगा। यानी अगर बार बार आपका चालान कटेगा फ्रेंड्स, तो कुछ पॉइंट्स उसमें जोड़ दिए जाते हैं और उन पॉइंट्स के आधार पर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आप सावधान रहिए, अपने डॉक्यूमेंट रखिए बिल्कुल केयर, बिल्कुल ध्यान से रखिए अपने सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों। इसके अलावा खास बात है कि दोस्तों TVS ने अपना RTR बाइक लॉन्च कर दी है जो कि इथेनॉल और पेट्रोल से चलेगी। यानी कि इसका खर्चा होगा नॉर्मल पेट्रोल बाइक से काफ़ी कम। हालांकि बिल्कुल सही है भाई, इथेनॉल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा इंडिया में मौजूद नहीं है। इसके बाद में दोस्तों बात कर रहे हैं नवरात्रि ऑफर्स की, तो जो बाइक्स कंपनियाँ हैं यानी स्कूटर बाइक वगैरह सेल करती हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे ऑफर्स लॉन्च किए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की हम बात कर लेते हैं, हीरो है, होंडा है, बजाज है, TVS है, तो इन सभी ने बहुत अच्छे ऑफर लॉन्च किए हैं। शॉर्ट में आपको कुछ बता देते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम हीरो की बात कर लेते हैं दोस्तों। हीरो ने अपने स्कूटर्स पर लगभग 3,000 का बेनिफिट आपके लिए दिया है। इसके अलावा आपको 5,000 का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। यानी अपना पुराना कोई स्कूटर देना चाहते हैं जिस तरीके से कार कंपनियां देती हैं, तो उसका प्राइस मिलेगा प्लस 5,000 का आपको मिलेगा एक्सचेंज बोनस भी, तथा 2,000 का कैश डिस्काउंट्स भी मिल सकता है दोस्तों। इसके अलावा बजाज ने अपनी बाइक पर 2100 से लेकर 6,000 तक का बेनिफिट लॉन्च किया है। अलग अलग मॉडल्स पर अलग बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो आप इसका जरूर फायदा उठाइए। इसके अलावा TVS की बात करते हैं दोस्तों। TVS ने एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑफर्स के अलावा 5 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी भी बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए दी है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। TVS की बाइक अगर आप लेना चाहते हैं, तो बाइक कंपनियों ने भी दोस्तों काफ़ी अच्छे ऑफर्स लॉन्च किए हैं और इस समय पर काफ़ी सस्ती EMI पर कम डाउन पेमेंट पर आप बाइक अपने लिए परचेज कर सकते हैं। अगर आपको बाइक की आवश्यकता है, स्कूटर की आवश्यकता है, यानी किसी भी टू व्हीलर की आवश्यकता है, तो लगभग सभी कंपनी जो भी आप पसंद करते हैं, चाहे वो होंडा है, चाहे आपके TVS है, चाहे बजाज है, या आपकी अन्य कंपनियाँ हैं हीरो है, सभी की आप बाइक और स्कूटर अपने लिए परचेज कर सकते हैं कम डाउन पेमेंट पर, और आपको मिलेंगे उस पर अच्छे खासे आकर्षक ऑफर्स। बहुत सी कंपनियां दोस्तों पेटीएम का भी कैशबैक दे रही हैं, लगभग जो मिल रहा है 5,000 रुपये तक का, तो ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। यानी आपको पेटीएम कैशबैक भी मिल जाएगा अगर आप लेते हैं किसी भी कंपनी की बाइक। तो दोस्तों ये थी न्यूज़ बाइक के बारे में। नेक्स्ट न्यूज आपके साथ हम शेयर करते हैं दोस्तों। जुड़े रहे आप हमारे चैनल के साथ, और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री में लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही बेल का आइकॉन जरूर दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए आप सबसे पहले। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज है रेनो की तरफ से। अगर आप रेनो की किट परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेस्ट टाइम चल रहा है, जिसे आप राइट टाइम भी कह सकते हैं दोस्तों। देखिए 2 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी आपको रेनो पर मिल रही थी क्विड पर, लेकिन इसे एक्सटेंड कर दिया है कंपनी ने आपको 2 ईयर्स और 50,000 एक्स्ट्रा किलोमीटर, यानी कि कुल मिलाकर 4 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी इस पर मिलने वाली है, तथा 20,000 का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो इससे बेस्ट ऑफर क्या आने वाला है दोस्तों, तो आप रेनो किट तुरंत बुक कर सकते हैं अपने लिए अगर आप पसंद करते हैं इसे दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं मारुति कुछ मॉडल्स की जिनमें CNG आती है। के पास हालांकि 16 के करीब ऐसी गाड़ियां हैं, लेकिन उसमें से लगभग 8 या 9 गाड़ियों में ही आपको CNG मिल पाती है, जैसे कि ऑल्टो है या आपके ऑल्टो K10 है। इसके अलावा वैगनआर है, तो इन सारे मॉडल्स में ईको है, या इसके अलावा डिजायर टूर है, सैलरी है, तो इन सभी मॉडल्स में आपको दोस्तों मिलती है CNG, लेकिन सभी मॉडल्स में CNG नहीं मिलती है। तो मारुति ने इसके बारे में फ्रेंड्स बहुत अच्छा निर्णय किया है कि जो भी उसकी स्मॉल कारें हैं सभी में CNG मिलेगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अक्सर आप क्या करते हैं, जिन गाड़ियों में CNG नहीं होती है दोस्तों, तो उन्हें परचेज करने के बाद में अक्सर ये सोचते हैं उनकी वारंटी समाप्त हो जाएगी तो उसमें CNG इंस्टॉल करा लेंगे। दोस्तों ये काफी खतरनाक है कि या तो आप उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की CNG इंस्टॉल कराइए, जो मार्केट में इस तरह की CNG मिलती है वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है, तो हो सकता है तो कंपनी के शोरूम पर फिट कराइए, या अच्छी क्वालिटी के लीजिए, किसी प्रशिक्षित इंजीनियर से आपको CNG लगवानी चाहिए दोस्तों। वैसे मारुति कुछ समय में एक्सटेंड करने वाली है सभी मॉडल्स में, तो आप निश्चित रूप से कुछ समय वेट कर सकते हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती रहती है आप जानते हैं, मारुति भी इस बारे में जानती है कि CNG काफी पॉपुलर है। इसके अलावा दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 3 नई EV लॉन्च होने वाली है, इसमें से मारुति भी शामिल है। और मारुति की जो EV आएगी वो आएगी दोस्तों वैगनआर, यानी वैगनआर सबसे पहले आएगी इलेक्ट्रिक वेरिएंट में, इसके बाद में स्विफ्ट आएगी, इसके बाद में नई गाड़ियां आएंगी, सबसे पहले वैगनआर आ रही है दोस्तों। जहां तक इसके माइलेज की हम बात करें फ्रेंड्स, तो 200 किलोमीटर का ये माइलेज देने वाली है, यानी कि माइलेज भी बहुत ही जबरदस्त होगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट गाड़ी होगी आपकी महिंद्रा की EKOV 100, जिसका माइलेज होने वाला है 150 के आसपास। इसके अलावा नेक्सॉन, यानी टाटा की नेक्सॉन भी, जी हां दोस्तों, बिल्कुल EV में इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स में आने वाली है, उसका माइलेज तो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जो बताया जा रहा है 250 से लेकर 300 तक तो संभव है। आप इसे भी परचेज करना चाहेंगे नेक्सॉन को इस रूप में भी, अगर आप टाटा की गाड़ियां पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की टोटल न्यूज़। आपको आज की ऑटोमोबाइल्स न्यूज़ कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा दोस्तों आप इसी टाइम हमारी देख सकते हैं डेली लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़। इसके अलावा आपको चाहिए कोई रिव्यू किसी गाड़ी का, या आप जानना चाहते हैं किसी का कंपेयर, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही अपनी सभी क्वेरी, जो भी आपकी यूज्ड या न्यू गाड़ियों की क्वेरी है, आप हमें सेंड कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। आपके हर कमेंट्स का आंसर दे दिया जाता है दोस्तों इस चैनल पर, क्योंकि दोस्तों कमेंट्स का आंसर देने के लिए और अपने सब्सक्राइब
से इंटरेक्ट के लिए, दोस्तों इंडिया का नंबर वन चैनल है, आपके हर कमेंट्स का आंसर देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो आपकी जो भी क्वेरी आप निसंकोच लिखिए, थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, विद इन आप समझिए 6 से लेकर 24 आवर्स यानी कि 6 से लेकर 24 घंटे अगर आपका आंसर दे दिया जाएगा। वैसे आपने महसूस किया होगा पर्सनली अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय तक, हम आपका आंसर दे देते हैं लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर। और खासतौर से इंस्टाग्राम पर भी अगर क्वेश्चन आता है उसका भी आंसर देने की हम कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स देखिए खास बात है, अगर कोई गाड़ी आप परचेज करते हैं और उसका आपको फाइनल प्राइस आपने अपने डीलर से पूछ लिया है और आप चाहते हैं इसमें कुछ बेनिफिट हमको मिल सकता है, तो आप ये क्वेरी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर बेस मॉडल का, आप कोई भी कंपनी पसंद करते हैं, उसका फाइनल प्राइस आप पूछिए डिस्काउंट्स के बाद में हमें शेयर कर दीजिए कि क्या सर ये प्राइस राइट है। अगर हमें उससे बेस्ट ऑफर मिलेगा तो आपके साथ शेयर कर देंगे या आपको बता देंगे राइट प्राइस है, आप परचेज कर सकते हैं। तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे चैनल द्वारा ले सकते हैं दोस्तों, और जो भी गाड़ी आपको पसंद है न्यू सेगमेंट की वो हमारे चैनल द्वारा आप परचेज कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों अगर चैनल बनाए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।